एक बार फिर और ले चल भीतर खुआ खाने को मिले फोटो। दिवाली का त्यौहार बहुत ही हमारे समाज में महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, तो आज चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में हमारी जैसे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं तो ऐसे ही हमने कार्यकर्ताओं की पूजा करनी चाहिए, और कार्यकर्ताओं की पूजा करेंगे तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी आगे बढ़ेगी। तो मुझे तो आज सबसे खुशी की बात यह है कि आज मैं त्यौहार दिवाली के दिन भी परिवार की बजाय कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं दिवाली से? मैं दिवाली पे आदमपुर की जनता को, हरियाणा प्रदेश के नर और नारी को केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये दिवाली का त्यौहार हम सब के लिए खुशियों से भरपूर हो, शांति हो, समृद्धि हो, हर घर में लक्ष्मी जी आए और हर घर में शांति रहे, यही बात हम लोगों को कहना चाहते हैं। दिवाली के बाद तमाम जो आपकी विरोधी धड़ हैं या सरकार पक्ष के लोग हैं वो भी मैदान में आने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? खट्टर साहब अगर मैदान में आते हैं, देखिए खट्टर साहब क्या करेंगे, यहाँ के खट्टर साहब से जब लोग ये पूछेंगे कि आजादी के 70 साल के बाद भी आज 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डोबी गांव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बहुत सी ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पर बिजली के कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर बहुत से ऐसे रस्ते एंडाणियाँ हैं जहाँ पर पीने का पानी तो दूर है, रस्ते भी कच्चे हैं। तो यानी कि आज मैंने जिस तरीके से डोबी गाँव के इलाके को देखा है, मुझे ये याद 1945 और 46 की आई कि जब हम गांव में अंधेरे में डूबे रहते थे, हमारे रास्ते नहीं होते थे। यानी कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इस तरह की बदहाली जो यहाँ है, तो इस बदहाली को देख करके कौन देगा बीजेपी को वोट? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कल मंडी में आ रहे हैं और तमाम तरह के कार्यकर्ताओं को मिलेंगे, कैसे देखते हैं और क्या आयोजन रहने वाला है? देखिए एक प्रचार किया जाता था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, यह आदमपुर की जनता से प्यार नहीं करता, अनदेखी करता है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। हमारे जैसे हमारे दिवाली पवित्र है, दिवाली के साथ साथ जो रामनवमी का दिन होता है, इससे हमारी जनता और नेता के बीच में समन्वय होता है, लोग मिलने आते हैं, तो इससे आज लोगों को ये लगेगा कि वाक्य में ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अब इस इलाके को संभालेगा। पहले भी संभाल सकते थे लेकिन कुलदीप बिश्नोई वक्तन विवक्तन कांग्रेस को जब मौका लगता भाग जाते छोड़ के, फिर कांग्रेस में आ जाते हैं। तो अब की बार कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि अब की बार हम ऐसे लोगों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दें।